हेलो दोस्तों, स्वागत है। तो आप सोच रहे होंगे मेरे पास ये घर कैसा आया, मेरे पैसे तो सारे डूब गए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना। तो उसमें मेरा सारा पैसा नहीं डूबा था क्योंकि मैंने उसको आधे पैसा दिया था। एक बार वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा किस चीज़ में डूबा था। पर ये आप सोच रहे होंगे कि ये चाचा अंदर अंदर क्या है, अंदर ऐसा जो बार बार जा रहा है। एक बात बोलूँ, अमीर वाला खाना नहीं पच रहा, देखो यहाँ बाथरूम बार बार जा रहा है। और गाइस एक बात और कि मेरे पैसे अपने आप गायब हो रहे थे, मैंने यहाँ पर दराज में रखे थे और मेरे पैसे अपने आप गायब हो रहे हैं। और आज तो हद ही होगी, आज कुछ बड़ा अमाउंट हमारे हाथ से निकल चुका है। तो ये चाचे की करतूत लग रही है क्योंकि ये कुछ अपने साथ कुछ पाउडर टाइप का लाता है और मुझे लग रहा है कुछ तो कर रहा है और यही ले जाता भी है पैसे। तो आखिरकार ये पैसे कहाँ उड़ाते हैं, इस बात को जानने के लिए आज हम बन चुके हैं डिटेक्टिव क्राइम। और दिन में ये जिससे मिलने आते हैं हम वहाँ मतलब इनका पीछा करेंगे, इन पर नज़र रखेंगे इनको बिना बताए। तो गाइस दिन होने दो, फिर बताते हैं हम इस चाचा की कहाँ उड़ा रहे हैं आखिरकार ये पैसे। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जिस जगह पर ये मिलते हैं। तो वो कितनी खुफिया जगह है, तो अभी इनकी बातें सुनते हैं आखिर ये कह क्या रहे हैं। तो सुनते हैं, माल चटा चतला है ना? हाँ, किसी ने देखा तो नहीं? पैसा पूरा लाए हो ना? गाइस ये तो कोई माल वाल की बात कर रहे हैं, मतलब हमारा चाचा नशेड़ी बन चुका है। नहीं वैसे ओवर एक्टिंग के 50 रुपये मत काट देना। तो गाइस मुझे पता था ये कुछ ऐसे ही कुछ है क्योंकि मैंने घर में देखा था ये कोई पाउडर लेके आए थे। तो हम भी तैयारी करके आए थे एक ढोंगी बाबा से मिल, मतलब उनका नाम ढोंगी था, वैसे काफ़ी पावरफुल थे। उन्होंने कहा है कि काली पहाड़ी के काले गुफा के अंदर एक नशा मुक्ति काढ़ा है, हम उसको चाचा को पिला देंगे फिर वो पूरी ठीक हो, पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और वहाँ जाना काफ़ी खतरा है पर हम चाचा के लिए खतरा उठा सकते हैं क्योंकि हमारे पैसे तो बचेंगे। वैसे तो हमें चाचा ये लूट देगा, ऐसे ही करेगा तो लूट जाएंगे हम। और गाइस चलते हैं वहाँ। क्राइन अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ा था, वो पानी से जूझ के, बारिश से जूझ के और बर्फ़ से जूझ के आखिरकार पहुँच चुका था उस गुफा में। और गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस गुफा में। देखो यहाँ पर एक टॉर्च रखी है, मतलब जो वो गुफा है वो उसका रास्ता बताने के लिए टॉर्च है। पर यहाँ मॉप काफ़ी, पर हमें उनसे पंगा नहीं लेना है क्योंकि गाइस कहाँ मैं नूब कहाँ वो मॉप प्रो। तो हम साइड साइड से निकलेंगे क्योंकि यहाँ पानी है, पानी से आड़ से हम निकल जाएंगे। और एक स्केलेटन मेरे को दे, भाई निकल जाना भाई प्लीज़, नो पंगा नो पंगा। गांधी जी ने क्या कहा है, लड़ाई मतलब लड़ाई नहीं करनी है, पता नहीं मेरे को। और कीपर अच्छा हुआ मैं पानी में था, बहुत अच्छा हुआ, तू तो फूटा चल। और गाइस फाइनली मतलब काफ़ी आसान था, वैसे कहाँ जान माल की हानि थी यार, खाली भी भाई ढोंगी बाबा सच में ढोंगी निकला पर काड़ा। गाइस मिल चुका है हमें काड़ा, फटाफट चलते, फटाफट 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 फटाफट। अरे क्या, ओ ओ नहीं, ये कहाँ था, ये कहाँ, गाइस वहाँ पर ट्रैप था यार, मैं कितना बेवकूफ, फटाफट इनको मारता हूँ पहले, बस मर जा मर जा मर जा। दो और आ गए भाई तुम्हारी को, ये बच्चा 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 तेरे से मेरे 7 साल की दुश्मनी है, निकल निकल। अरे बच्चे को निकालो भाई, ये बच्चे क्यों क्यों बना देते हो तुम माइनक्राफ्ट में। बस फाइनली फटाफट इसको तोड़ देते हैं वरना और मॉब स्पॉन ना हो जाए। तो एक बार इनको तोड़ देते हैं फिर मॉब स्पॉन नहीं होंगे, फटाफट इनको। और दो और निकल गए भाई, तुम्हारा कोई काम धंधा नहीं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हो, निकल यहाँ से निकल निकल। गाइस फटाफट लेते हैं हम ना नशा मुक्ति काढ़ा, वैसे देख लेते हैं कहीं यहाँ नहीं हुआ तो हमारे तो पता नहीं। गाइस फाइनली हमें मिल चुका है काढ़ा और फटाफट चलते हैं घर और पिला देते हैं इसको चाचा को। और हो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके घर, अब हम चाचा को बता देंगे कि हमें तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। तो फटाफट चलते हैं वैसे घर, क्या कर रहा होगा अभी भी, वहीं तो नहीं गया यार गाइस, ये तो हमें वैसे लुटा देगा, हमें लूट लिया कहेंगे फिर हम भी। तो फटाफट चलते हैं ऊपर। और चाचा 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 एक बात तो सुनो, तुमसे बहुत अर्जेंट बात करनी है, रुक जाओ मैं बाथरूम में घुस के बोलूँगा तुमसे। हेलो देखो ये तुम्हारे लिए नशा मुक्ति काढ़ा लाया हूँ मैं, देखो रुकना तुम्हें देता हूँ पहले, रुको रुकना, हाँ मुझे पहले इसको फेंकने दो, लो इसको खाओ। इसका क्या करूँ, अपने अचार डालू इसका, क्या करूँ महट निकल। अरे सुनो तो मुझे सब पता चल गया है, तुम जिससे मिलने जाते थे उससे नशे वाली चीज़ें खरीद के लाते थे और इसलिए मैं तुम्हारे लिए नशा मुक्ति काढ़ा लेके आया हूँ। अरे मारे अनपढ़ जासूस, वो मेरी नशे वाली चीज़ थोड़े ना, वो तो मुझे अमीर वाला खाना नहीं पचता ना, इसलिए मैंने वो चूरन रखा था जिससे वो पेशाब हो जाता है वाला। अच्छा मतलब जो मैंने मेहनत करी वो सब बेकार।